हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्पाइमा के बारे में। हम देखते हैं कि हमारा एम्पाइमा क्या होता है, उसके कॉजेस क्यों, मैनिफेस्टेशन सब कुछ हम देखते हैं। कि हम स्टार्ट करें, सबसे पहला हमारा डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज एक्युमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। हमारा एम्पाइमा उसे कहते हैं जब हमारी प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस होती है, उसमें हमारा पस का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसे एम्पाइमा कहते हैं। हमने सिर्फ प्लूरल फ्यूजन देखा था। प्लूरल फ्यूजन का मतलब होता है हमारा एबनॉर्मल फ्लूड एक्यूमुलेशन। वहाँ पे फ्लूड एक्यूमुलेट होता है, हमारे एम्पाइमा में पस का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक, हम आगे देखते हैं कॉजेस। निमोनिया, चेस्ट ट्रॉमा, टीबी, हीमोथोरेक्स, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थोरासेंटेसिस, लंग एप्सेस, ये हमारे कॉजेस है। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं प्लूरल इन्फेक्शन, कोई भी लंग इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से हमारा प्लूरल फ्लूड एक्यूमुलेशन होगा। इंक्रीज विड्थ ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ लंग मूवमेंट, फ्रोजन चेस्ट, इमोबाइल चेस्ट। हमारा कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से हमारे फ्लूड एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। हमारे जो प्लूरल स्पेसेस हैं या प्लूरल जो लेयर हैं उनकी थिकनेस इंक्रीज होगी, लॉस ऑफ लंग मूवमेंट, जिस वजह से फ्रोजन चेस्ट, हमारा चेस्ट फिक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा आ जाएगा फीवर, प्लूरल पेन, डिस्निया, वेट लॉस, एक्सेसिव स्वेटिंग इन नाइट, ड्राई कफ, एनोरेक्सिया। इसमें हमारा और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पेशेंट वीक फील, वीकनेस हो जाएगी, फटीग फील करेगा पेशेंट को, डिजीनेस भी हो सकता है क्योंकि उसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज सही नहीं रहेगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसके लंग्स का, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेनली। चेस्ट ऑस्कल्टेशन हम इसलिए करेंगे ताकि कोई अबनॉर्मल साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे हम करेंगे ताकि हम ये देखेंगे हमारा किस एरिया में पस एक्युमुलेशन हुआ है। सीटी स्कैन के थ्रू हम यह आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पस एक्युमुलेशन किस एरिया में हुआ है, कितना कितना साइज का पस एक्युमुलेशन है, कितना थिकनेस है, कितने एरियाज अफेक्टेड है। ब्रोंकोस्कोपी हम एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे जिसके से हम हेल्प करेंगे कि हमारा जो पस एक्युमुलेशन है वो किस एरिया में है, उसके आसपास का हम आइडेंटिफाई करेंगे। ब्लड टेस्ट में मेनली देखेंगे हमारा WBC काउंट इंक्रीज मिलेगा, ESR काउंट इंक्रीज मिलेगा। चेस्ट परकशन करेंगे हम। डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस, जैसा कि हमने अभी पहले इससे वीडियो में पढ़ा था, थोरासेंटेसिस का मतलब होता है हम उसमें से जो फ्लूइड है प्लूरल स्पेस से उसको हम रिमूव निकालेंगे, उसको हम लैब में भेजेंगे चेक करने के लिए कि हमारा कोई बैक्टीरियल वायरल कोई इन्फेक्शन की वजह से तो हमारा पस एक्युमुलेशन तो नहीं हुआ है। ठीक, हम आगे देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे पेन के लिए, कंफर्ट मेजर्स जैसे कि अगर उसको कोई पिलो या किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट से बोलेंगे ताकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज हो सके, रेस्पिरेटरी सपोर्ट मिल सके। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, हम पेशेंट को उसका हाइड्रेशन न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे ताकि उसको इम्यूनिटी वीक ना हो, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा ये है हमारा थोरासेंटेसिस में हम रिमूवल ऑफ पस एंड फ्लूइड करेंगे। ट्यूब थोरैकोस्टोमी, चेस्ट ड्रेनेज यूजिंग अ लार्ज डायमीटर इंटरकोस्टल ट्यूब अटैच टू द वाटर सीड ड्रेनेज। हमारा ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं जो लार्ज डायमीटर की होती है, ये वाटर सीड ड्रेनेज होता है, हम इसको इंसर्ट करते हैं, वहाँ से हम पस जो है हमारा टाइम टू टाइम स्लो स्लोली स्लोली वहाँ से रिमूव होकर हमारे एक बैग में कलेक्ट हो जाता है सारा पस। ठीक है, हमने वीडियो में डिस्कस किया एम्पाइमा का कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक वैलेशन, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे दूसरी कंडीशन के लिए आगे वीडियोस को देखते रहिए। आपको सारी डिस कंडीशन की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।